छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में संत बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष तौर पर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पामगढ़ पहुंचकर गुरु घासीदास बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर जैत खाम की पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि बाबा गुरु घासी ने सत्य व अहिंसा की सीख दी है। आज भेदभाव की वजह से समाज में सामाजिक कुरीतियां और बुराइयां आ गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने 19 लाख किसान के 10,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदा है। हमने जो कहा है वो किया है। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, राज्य और देश तरक्की नहीं कर सकता। सीएम ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास का शोध पीठ और संग्रहालय रायपुर में बनाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए 200 सीटर आवासीय हॉस्टल खोलेंगे। वह सरकारी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता के नाम पर डायग्नोस्टिक सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, पीएचई मंत्री रुद्रगुरु, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, विधायक पामगढ़ इंदु बंजारे मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से संवाददाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। गुरु पर्व पखवाड़ा चल रहा है। गुरु घासीदास जी के जो संदेश है वो आम जन तक पहुंचे, इसलिए बार बार हर साल इसका आयोजन होता है। 18 दिसंबर से लेके ये पूरा 31 दिसंबर तक चलने वाला यह कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम सब उसमें भागीदार बन रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। सर, फिर से एक बार केंद्र सरकार चावल खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कैसे देखेंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि अभी तक के ऐसा नहीं हुआ था कि FCI चावल लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। ये पहली बार हुआ है कि दिसंबर महीने बीतने जा रहा है और भारत सरकार अभी तक के FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है। मैं अभी 2 दिन पहले भी पीयूष गोयल जी से मैंने बात की थी, कल भी मैं उनसे बात करूंगा और प्रयास ये होगा कि FCI में हमारे छत्तीसगढ़ के जो चावल है उसे जमा करने की अनुमति मिले, ये हमारा प्रयास होगा। सर, काफी साल से बयान आया कि छत्तीसगढ़ में कोल माफिया का राज चल रहा है जी। रमन सिंह जी का बयान आया है अभी छत्तीसगढ़ में कोल माफिया और रमन सिंह जी क्या है कि वो उसके 15 साल तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो खाली बैठे हैं तो पुरानी बातें हैं वो सब रिवाइंड हो रहा है, तो वो सारी बातें फिर एक एक करके अपने अनुभव के आधार पे सब बात कर रहे हैं। सर, काफ़ी सालों से जो है कर्मचारी सचिव खास करके जो 3-3 साल में इनका ट्रांसफर हो जाना था, वो काफ़ी सालों से जमे पड़े हैं यहाँ। वो नियम के तहत ही होगा और आप कोई ऐसा है वो जानकारी दे दें। शिव डहरिया जी बोल रहे थे कि रामराज का निर्माण होगा, वो थोड़ा सा आइडिया बताएंगे किस तरीके से? गांधी जी ने रामराज की कल्पना की थी जिसमें सभी को अवसर मिले, सभी का विकास हो और सभी में भाईचारा हो, सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलें। हमारी कोशिश है हमारे प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था हो और सभी वर्गों के विकास हो, उन्नति हो, भाईचारा और प्रेम अहिंसा हमारे छत्तीसगढ़ में हो। बीजेपी के रामराज और आपके रामराज में, यानी गांधी जी के रामराज में कितना क्या अंतर है? बहुत अंतर है जी। इसमें आम जनता से जोड़ने का है। गांधी के रामराज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, उत्तेजना को कोई स्थान नहीं है, जोड़ने का काम है। और यहाँ भाजपा के रामराज में वो वोट के लिए राम का नाम लेते हैं, नोट के लिए राम का नाम लेते हैं, हिंसा फैलाने के लिए राम का नाम लेते हैं, उत्तेजना फैलाने के लिए राम का नाम लेते हैं, तो दोनों में अंतर ये है। सर, लगातार धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.